हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आपण मानको स्वागत करछि आमर चैनल रे। देखो फ्रेंड्स बहुत बढ़िया अपडेट टीए आपण मानन पई आसी जाइछि 378 गोटी पदवी ऑफिस असिस्टेंट एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर पई जोटा को आम ओडिशा सब जिलार पिला माने अप्लाई करि परिबे। बोथ मेल एंड फीमेल समस्त फॉर्म को अप्लाई करने को एलिजिबल अटंती। तेबे एही फॉर्म रो शेष तारीख रहूछि 25/4/2022 5/4/2022 टू यार ऑनलाइन प्रोसेस आरंभ हो सारी। निजुक्ति आसी BECIL तरफ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड दूरदर्शन केन्द्र तरफ। ये आपेदन करने पूर्व इलिजिबिलिटी कंडीशन एज लिमिट क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसीजर भितर जाना निश्चिंत आवश्यकता रही है। तेणुक वीडियो मध्यम मुझ संपूर्ण अपडेट टी प्रोवाइड करी जहाँ आपण मानी आवश्यकता रही। तेज वीडियो को शेष जाए वाच करेंगे आपण मैं अनुरोध वीडियो भल लगे निश्चिंत वीडियो को लाइक करेंगे सांग सहित शेयर करने को जमार भूल ना एवं चैनल को प्रथम तरह विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल रे सेट करेंगे। आगामी दिन मानक लाटेस्ट जॉब अपडेट आप प्रथम आमरी चैनल मध्यम पारे। एथि सहित वीडियो रो डिस्क्रिप्शन आपन मानको हम टेलीग्राम चैनल रो लिंक मिलिजबो व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक मिलिजबो जोटी क्लिक करके आपन माने जॉइन कर परिबे एवं सेठी आपन माने इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाई परिबे जे कोनोसी जॉब रो अपडेट दिया जाउची प्रथमे हम टेलीग्राम व्हाट्सएप रे दिया जाउची एवं आपन माने ताकु देखि परिबे। तबे चालंतु ए जॉब रो संपूर्ण अपडेट को आमे देखि नबा। तबे रिक्रूटमेंट अपडेट अनुसार मुझे रखी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड बा BECIL तरफ ऑफिशियली नोटिफिकेशन रे ऑफिस असिस्टेंट एवं DOO पदवी निजुक्ति बा डाटा एंट्री पदवी निजुक्ति 378 गोटी वैकेंसी जदि देखिबा वैकेंसी रो डिटेल्स ऑफिस असिस्टेंट पाई 200 टी पोस्ट रही डाटा एंट्री ऑपरेटर पाई 178 टी पोस्ट रही। तबे एठी आपन मानक सैलरी 15,000-25,000 टंका रहूची जो थरे आपन माने जदि नियुक्ति पाउसंती आपन मानक एही अनुसार दरमा मिलिबो। बेसिक सैलरी आपन मानक 15,000-25,000 भितरे रहिबो एवं एथसहित आपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जदि ऑफिस असिस्टेंट पे अप्लाई करुँचे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने निश्चित रूपे आवश्यक रही। जदि ग्रेजुएशन कंप्लीट करते निश्चित रूपे अप्लाई करनी आर्ट साइंस कॉमर्स एमती कि बीटेक करी जो मैंने भी डिग्री हासिल करते भी आवेदन करेंगे। एटी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर रही DEO पोस्ट रही आपर 12th क्लास पास करवा आवश्यक रही। एथसत कंप्यूटर नॉलेज थी रही। एटी एज लिमिट देखा गले कैंडिडेटर बयस सीमा 21-45 भितर होते अप्लाई करेंगे। एससी एसटी क्षेत्र में एज रिलैक्सेशन रखा जामिकी गवर्नमेंट रूल अनुसार रही है। यहाँ ओडिशार पाने अप्लाय करेंगे। ऑल इंडिया कैटेगोरी वैकेंसी आसी हेतु प्रत्येक जिलार महिला पुरुष समस्ते फॉर्म को आवेदन करने उचित रे बास आपदी ए इलिजिबिलिटी कंडीशन भितर बिलंगस करुँचे निश्चित रूपे अप्लाय करनी फॉर्म को आपलाइन प्रोसेस अप्लाय करेंगे। तबे ऑनलाइन रे अप्लाई कला बेले आपण मानकर एप्लीकेशन फीस बाबदे जदि आपण माने जनरल किंबा ओबीसी कैटेगरी बिलंगस करथिबे किंबा आपण मानकर एक्स सर्विसमैन होइथिबे ताहाले 750 टंका एप्लीकेशन फीस लागिबो। एससी एससी एसटी को क्षेत्र रे 450 टंका एप्लीकेशन फीस लागिबो। जदि ओमेन कैंडिडेट होइथिबे यूआर किंबा ओबीसी कैटेगरी रु ताहाले 750 टंका लागिबो। जदि एससी एसटी कैटेगरी ओमेन कैंडिडेट होइथिबे ताहाले 450 टंका एप्लीकेशन फीस लागिबो। ईडब्ल्यूएस फिजिकली हैंडीक्राफ्ट पिला मानन पई 50 टंका एप्लीकेशन फीस एठी लागुची जहाँ को आपण माने इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड माध्यम रे पैठ करेंगे। तेज ये सिलेक्शन प्रोसीजर जब देखा आमर दूरदर्शन केन्द्र तरफ जो सिलेक्शन प्रोसीजर रही सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफिस असिस्टेंट पाई रिटन एग्जाम रहा डाटा एंट्री ऑपरेटर पाई कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट रखा जाए। जदि आम देखा रिटन एग्जाम ऑफिस असिस्टेंट पाई से ऑब्जेक्टिव एवं डिस्क्रिप्टिव टाइप रो प्रश्न आसिबो। जदि जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर इंग्लिश ग्रामर पर प्रश्न रहिबो एथिसित कंप्यूटर नॉलेज रो गोटे टेस्ट रहिबो जोंतर कि एमएस ऑफिस एक्सेल पावर पॉइंट प्रूफ प्रश्न आसिबो एमो एथिसित आपन मानकर 35 WPM बा वर्ड पर मिनिट आपन मान टाइप कर पते इंग्लिश रे 30 WPM हिंदी रे टाइप कर परथुए आप माने एलिजिबल हो पारिबे। एठी आपन मानकर डाटा एंट्री ऑपरेटर पई जो प्रैक्टिकल टेस्ट रहिछि सेम क्राइटेरिया रहिछि 35 WPM इंग्लिश रे टाइपिंग कर परथिबे 30 WPM हिंदी रे टाइपिंग कर परथिबे आपन माने एलिजिबल हेई परिबे। एथि सहित आपन मानकर
ଫର୍ମ ପକେଇଲା ବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲଭାଲ ରହିଯାଉଛି ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟି ନମ୍ବର ସେୟାର କରିଛି, ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ସେୟାର କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ବତାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଅଦର ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସେଥିରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ଦେଖିନେବେ। सो फ्रेंड्स जदि आपने फॉर्म को अप्लाई करना बर्तमान अप्लाई करने को चाहूँ जाणी रखु 5 एप्रिल मान आपर ये किसी दिन तले अपडेट टी आरंभ ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर 4 एप्रिल 5 एप्रिल ऑनलाइन स्टार्ट हो 25 एप्रिल पर्यंत आपण माने फॉर्म को ऑनलाइन रे अप्लाई करि परिबे। तबे अप्लाई करिया कोले आपण मानको किछि करबा नाही। जदि आपण माने वीडियो टी देखुचोंती वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करंतु, जॉब रो डिटेल्स ऊपर क्लिक करके आपण माने हम पेज को आसंतु। एठी अप्लाई ऑनलाइन पेज को आसिले स्क्रोल डाउन करके तलू आसवे, ये अप्लाई ऑनलाइन मेंशन करा जाए जो क्लिक करके आपने फॉर्म को आवेदन करेंगे। ये नोटिफिकेशन टी डाउनलोड करेंगे, जो नोटिफिकेशन टी आपको सामने रखुच्छी बर्तमान आपने देखिपारे ये नोटिफिकेशन टी आपर डिटेल्स मेंशन करा ऑफिशियल जहाँ भी मेंशन करा आपर ए क्राइटेरिया सह लिखाई आपने चाहिए पढ़ी बुझिकी डिटेल्स फॉर्म टी भरी पारे। एथि सहित ऑफिशियल साइट को विजिट करेंगे, ये मुझे डिटेल्स मेंशन कर नहीं। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब अपडेट चाहूँगी आपण को सुरखुरी मिल जाऊ बोली, तेज निश्चित रूप में आप रखी आपने गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब अपडेट पर गूगल सर्च करूँ www.naukri.in और गुरुत्वपूर्ण जॉब अपडेट ये प्रोवाइड कराँ टाइम टू टाइम पाइपे। तो फ्रेंड्स ये था डिटेल्स अपडेट टी आपाई आज वीडियो मध्यम। तेबे वर्तमान यही अपडेट टी आपमनकु किपरि लागिला कमेंट सेक्शन रे कमेंट करके जणाइबे एवं भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक संग मन सहित शेयर करिकु भूलिबे नाही। चैनल को प्रथम थर करबि जिक्र थिले चैनल को सब्सक्राइब करनेबे, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल रे सेट करबि आगामी दिन मानकर इबो लेटेस्ट जॉब अपडेट सबटु प्रथमे पाइबा पई। फ्रेंड्स देखाबा नेक्स्ट एपिसोड रे, से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।